तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने ये देखा था कि नंबर को कैसे हम एक सीक्वेंस में प्रिंट करा सकते हैं, 1 to 5 एंड 5 to 10 से लेकर हम 25 तक प्रिंट कराए थे। ओके, तो इस वीडियो हम ये जानेंगे कि नंबर को कैसे हम ऑड सीरीज में प्रिंट करा सकते हैं कुछ लाइक इस तरह के पैटर्न में। ओके, तो उसके बारे में हम टाइप डीपर जानेंगे ईच एंड एवरी थिंग। तो यहाँ नंबर क्या ऑड, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 से लेकर 49 तक नंबर है, उसको प्रिंट कैसे कराना है, इन सब के बारे में हम जानेंगे टाइप डीपर में। ओके, तो चलिए इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं और वहां पर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां से हमारा क्लास का नेम है नंबर पैटर्न और मेन मेथड, और सिंपली यहां से हम लूप के लिए एक लिमिट दे देते हैं। ओके, तो सिंपली यहां से हम लिमिट देते हैं और इक्वल टू 5 टाइम केवल हम लूप को चलाना चाहते हैं। ओके, और जब नंबर को किसी मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कराना हो तो जाहिर सी बात हमें दो लूप की नीड पड़ती है, इनर लूप एंड आउटर लूप फॉर लूप का हेल्प से हम ये करते हैं। ओके, और यहां से एक वेरिएबल हम के ले लेते हैं सिंपली, जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, और यहां से हम सिंपली एक फॉर लूप चलाते हैं और जिसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं आई इक्वल टू 0 एंड सेमी कॉलन लगाते हैं आई लेस देन सिंपली यहां से हम दे देते हैं लिमिट। ओके, सेमी कॉलन और प्लस प्लस सिंबल यूज करते हैं और सिंपली हम लिमिट को इंक्रीमेंट करते हैं और यहां से एक इनर लूप लगाते हैं। ओके, और इसमें भी हम एक वेरिएबल जे को डिक्लेयर करते हैं जो कि 0 से चलना चाहिए और जे लेस देन होना चाहिए कहां तक, लिमिट तक ही चलना चाहिए, और इसकी भी वैल्यू को हम सिंपली यहां से जे को इंक्रीमेंट करेंगे और यहां से हम आई को इंक्रीमेंट हमें करना है ना कि लिमिट को। ओके, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, हमें इस नंबर को प्रिंट पहले कराना है, किसको, के को। पहले हमारे में क्या आना चाहिए, 1 नंबर आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। तो हमारा के अभी ऑलरेडी वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहां लिखते हैं सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एलएन, नहीं लेना हमें केवल प्रिंट लेना है, और यहां से हम सिंपली देते हैं के और इसको कनेक्ट करते हैं और एक स्पेस देते हैं जिससे कि नंबरों के बीच में स्पेस आ जाए। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, 1 के बाद हमारा 3 हो, तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1 है, फिर इसमें 2 अगर इंक्रीमेंट कर दे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 इंक्रीमेंट कर दे तो 5 हो जाएगा, फिर 2 इंक्रीमेंट कर दे तो 7 हो जाएगा। तो हमें इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, तो ये हम आपको बता के प्लस इक्वल टू 2 लिखते हैं। बेसिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का मीनिंग जो होता है वो सेम ही होता है। ओके, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम केवल बता देते हैं। ओके, इसको हम कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को फिलहाल, और इसको हम यूज करेंगे, इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, बट ये बेस्ट अप्रोच होता है। ओके, तो ये जो कोड लिखा है कुछ ऐसे ही इससे कंपाइलर ट्रीट करेगा, लेकिन हमने इसको स्टैंडर्ड वे में ऐसा लिखा है। ओके, आई होप आप असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में प्रॉपर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हमारा वीडियो ऑपरेटर सीरीज का आप एक्सेस करिए, वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग सभी ऑपरेटर बारे मैंने बताया है विद एक्सप्लेनेशन। ओके, अब ये नंबर हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा और चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, जब एक रो पूरा कंप्लीट हो तो 5 टाइम ये लूप चल जाए, ये वाला जब फर्स्ट टाइम ये लूप चले, फिर जब सेकंड टाइम जब ये लूप चले तो एक न्यू लाइन से चले ये लूप, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन दे देते हैं, और सिंपली से हम कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और यहाँ से इसे एग्जीक्यूट हम अपने प्रोग्राम को करते हैं और देखते हैं हमारा डिजायरेबल आउटपुट जो भी हमें रहेगा वो हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा डिजायरेबल आउटपुट था और ये हमें यहाँ से मिल गया। तो इस तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोचिए और किस तरह से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा।